खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। 23 मई को नतीजे आने हैं और उसमें अभी 36 दिन बाकी हैं और दूसरे दौर की वोटिंग में अब सिर्फ 46 घंटे बाकी हैं। एबीपी न्यूज आपको हर उस इलाके का चुनावी मूड दिखाएगा जहां परसों चुनाव है। अभी आपको लिए चलते हैं बिहार के किशनगंज। शाम को प्रचार का काम खत्म हो रहा है, थम जाएगा इन सीटों पर और उससे पहले सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। किशनगंज में त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां ओवैसी की पार्टी भी मैदान में है। देखते हैं वोटिंग से 46 घंटे पहले किशनगंज का आखिर मूड क्या है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान नजदीक है और ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रचार की ताकत हर जिलों में झोंक रही हैं। इस समय हम किशनगंज में मौजूद हैं। ये वो जिला है जहां पर दूसरे चरण में मतदान होना है। हमारे साथ तमाम जनता यहां की मौजूद है जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी पार्टी है जिसका पलड़ा किशनगंज में भारी है। तमाम लोग हैं, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूंगा, क्या नाम है आपका और क्या लगता है कौन सी पार्टी भारी है? यहां अभी क्लियर पता नहीं चल रहा कि कौन सी पार्टी निकलेगी। सब अपने वोट कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं किसको देंगे, अब स्थिति क्या होती है। कौन सी पार्टी भारी है ये क्लियर नहीं है, आपका क्या नाम है और क्या लगता है कौन सी पार्टी मजबूत है? मलिक, भाजपा महादलित मंच का जिला अध्यक्ष मैं हूँ। देखिए यहाँ तो अभी गठबंधन का दौर चल रहा है और जेडीयू उम्मीद लग रहा है, हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं भगवान का दया से निकल जाए। आप खुद पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो आप खुद वही कहेंगे कि मजबूत है। फिलहाल हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आपका नाम क्या है और कौन सी पार्टी भारी लग रही है आप? मेरा नाम सोमेंद्र बहादुर सिंह है, मैं जिला इंटक का उपाध्यक्ष हूं किशनगंज जिला बताएं। और मुझे उम्मीद नहीं पर यकीन है जो हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी डॉक्टर जावेद आजाद भारी बहुमत से यहां से जीतेंगे। क्यों लगता है आपको कि कांग्रेस जीत सकती है यहां से? इसलिए कि आपसी भाईचारा और ये एमयू का जो ये है और बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जो लेके हम लोग चल रहे हैं, वो इसलिए वो जीत सकते हैं। अच्छा। आपका क्या नाम है, युवा हैं आप, क्या लगता है आपको कौन जीत सकता है? सर मेरा नाम सागर साह है। सर किशनगंज में माहौल कुछ ऐसा है कि किशनगंज में कांटे की टक्कर है, किशनगंज में कांटे की टक्कर है और ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन पार्टी जीतेगा, लेकिन हम जो माहौल देख रहे हैं यहाँ पर उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि MIM का कुछ चांसेस ज्यादा है। MIM, हाँ, एक और खास बात यहाँ पर है कि MIM के भी कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला बना सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कौन जीत सकता है, क्या लगता है? जी मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। सर यहाँ से देखिए MIM का काफी चांसेस है, हाँ, ऐसे तो कांटे का टक्कर है। क्यों लगता है आपको कि MIM जीत सकती है, क्या कारण है? जी कारण मतलब यह है सर, कांग्रेस को यहाँ से मतलब गढ़ रहा कांग्रेस का बीजेपी का और इस बार लोग कुछ अलग सोचना चाहते हैं। अच्छा। आपका क्या नाम भाई साहब और इन सब लोगों की बातों से सहमत हैं आप? मेरा नाम रमन कुमार है। मोटा मोटी इन सब बातों से मैं सहमत हूं कि यहां का कोई फिगर क्लियर नहीं हो रहा, तिकोनिया लड़ाई है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीते। क्या लगता है आपको, युवा है, किस पार्टी से उम्मीद है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? यहाँ पे अभी तक तो कुछ पता चल नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई होगी और बीजेपी जीतेगी। यहाँ से सीट की बात करें तो तकरीबन 68% आबादी जो है वो मुस्लिमों के हैं तो वहीं 32% आबादी हिंदुओं की है। किशनगंज सीट ये वो सीट है जो दो बॉर्डर इलाकों से मिलती है। कैमरामैन विशाल राय के साथ आदर्श सिंह, एबीपी न्यूज किशनगंज।